देख लें कि लाभ हानि का कोई भी सवाल होगा तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। लाभ हानि का कोई भी सवाल आपको मिलता है तो आप कैसे लगाओगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई भी सामान खरीदा जाएगा तभी तो बेचा जाएगा, तो जब हम खरीदते हैं तो जो धन हम देते हैं, जो धन हम दे करके, जो मूल्य हम दे करके उसको खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उस धन को क्या कहते हैं, बोलो, क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। खरीद लिया, अब उसको हम बेचते हैं तो जो धन हमको मिलता है वस्तु को बेचने पर, तो उस धन को क्या कहते हैं, उस मूल्य को क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसके बाद में कोई भी वस्तु खरीदी गई और उसको बेचा गया तो आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। ठीक से बैठो, सीधे तुम भी सीधे बैठो, पढ़ने आते हैं ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, सीधे बैठा था क्लास में। तो कोई वस्तु क्रय करके अगर विक्रय की गई, खरीद करके बेची गई तो हमको फायदा भी हो सकता है और दोनों बातें हो सकती है ना, सभी लोगों का कंफर्म है। तो लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। लाभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। तो हानि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉस। अब देखो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब हमको लाभ होगा, अब कोई भी वस्तु खरीदी गई बेची गई तो वहां पे क्रय मूल्य भी होगा और विक्रय मूल्य भी होगा, ठीक है। अब क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, परचेजिंग कॉस्ट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परचेजिंग कॉस्ट। लिख दूं, PURCH, परचेजिंग ऑफ कॉस्ट, और फिर सेल कॉस्ट आ जाएगा, प्राइस भी लिख सकते हैं, PRIC, ठीक है, दोनों मतलब होता है। तो अब हिंदी पकड़ करके चलो क्योंकि तुमको हिंदी में ही सवाल आएगा और हिंदी में करना रहेगा, बता इसलिए दिया कि कोई अंग्रेजी में तुमसे बात करे, कोई बोल दे तो तुम समझ जाओ वहां पर। लाभ, जब लाभ होगा तब वहां पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, ये कन्फर्म है भाई। 10 का खरीदा और 15 का बेचा तभी तो 5 का बचेगा, विक्रय मूल्य यहाँ पर ज्यादा हो गया, जितने का खरीदा था उससे ज्यादा कर बेचा, तो इसका मतलब लाभ जब होगा तो हम लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, क्योंकि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो इसलिए बड़े में से छोटा घटाते हैं ना, तो बड़ा हमारा विक्रय मूल्य होगा और छोटा क्रय मूल्य होगा, घटा देंगे तो हमको लाभ पता चल जाएगा। इसी तरीके से हम हानि कैसे पता करेंगे, हानि तब होगी जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। खरीदा तुमने 10 रुपए का और उसको बेच दिया 5 रुपए का, ठीक है। तो जब हानि निकालनी होगी तो हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, ठीक, समझ गए। अब इसमें सवाल आता है, डिस्टर्ब है, कपड़े कपड़े कहीं इसे पूछे,
कस्टर्ड लाओ, ये अब देखो प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत परसेंट अंग्रेजी में क्या कहते हैं परसेंट, और निकालते किससे हैं ऐसे, प्रतिशत अगर पूछता है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि हुई, अब क्या करेंगे, जैसे ₹10 का खरीदा और 15 का बेचा तो कई रुपए मिला, तो यहाँ पर कई रुपए पे ₹5 मिला, कई रुपए पे ₹5 लाभ मिला, ₹10 तुमने लगाए और फायदा कई रुपए का मिल गया। तो यही चीज अगर आप बताओ कि ₹100 पे कितना फायदा होगा तो वो हो जाएगा प्रतिशत, समझ रहे समझे, ₹10 पे ₹5 तो ₹100 में कितना मिलेगा, अगर ₹10 में ₹5 फायदा मिलता है तो ₹100 में कितना रुपया फायदा मिलेगा, ₹10 पे ₹5 मिलता है तो ₹100 कितना मिलेगा, एक बार ₹10 खरीद के बेचा कितना रुपया फायदा मिला ₹5, फिर ₹10 खरीदा और बेचा तो ₹5 फायदा फिर मिला, ऐसे 5 बार करोगे 10 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो भाई, ₹10 ₹5 बचता है और ₹100 फायदा पूछा है तो 10 बार करोगे कभी तो ₹10 कभी तो आएगा तो ₹100 कितना हो जाएगा, ₹100 में कितना फायदा हो जाएगा। तो ये तो हमने तुमको अपने आप सोचने के लिए बताया कि तुम अपने आप सोच करके कैसे बताओगे, लेकिन इसको हमें जब सूत्र से करना होगा तब कैसे करेंगे ये हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, ठीक है, वो हम बता दें और उसके बाद सवाल बता दें बस। तो देखो हमने कहा कि क्रय मूल्य हमारा कितना है ₹10, अभी ये तो कहा था क्रय मूल्य कितना है ₹10, विक्रय मूल्य कितना लाभ कितना अब पूछा जा रहा है प्रतिशत लाभ, क्या पूछा जा रहा है कि भाई ₹10 लगा करके ₹5 फायदा मिल रहा है तो ₹100 लगा करके कई रुपए फायदा मिल जाएगा, ये तो पूछा जा रहा है और अभी तुमने बताया कि ₹50 मिलेगा। अब देखते हैं सूत्र कैसे बनेगा, देखो चूंकि ₹10 पर लाभ कितना है आपका ₹10 पर लाभ बराबर क्या रुपया